तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ दीदी। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एक ऐसी मेथड है जिससे बच्चे अक्सर बचते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है, उन्हें बड़ा टेंशन होता है, तो साल भर वो उसके क्वेश्चंस करते नहीं है और जब एग्जाम आ जाते हैं तो इतना टाइम रहता नहीं है कि उसे समझें और क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बच्चों, आपको मैं बताऊंगी एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप किसी भी तरह का ग्राफ बहुत आसानी से बना पाओगे। बोले तो ग्राफ बनाने की निंजा टेक्निक। चलिए देखते हैं कि वो मेथड क्या है। बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया है, एक्सरसाइज 3.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो मैं जल्दी से पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इन्होंने दिया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz। किसी स्कूल के क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ क्विज में पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु took part in the quiz। तो यहाँ पे देखिए, दो इक्वेशन हमें बनाने हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हम इसे ग्राफ पेपर पे ही बना के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हमने मान लिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है एंड नंबर ऑफ बॉयज वाई है। देन द इक्वेशन फॉर्म्स आर। फिर इक्वेशन क्या बन के तैयार होंगे हमारे? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 10 है। जो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि x, तो x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये क्या है? 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो अब x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? y प्लस 4 लिखेंगे। x इज इक्वल टू y प्लस 4 लिखेंगे। अब अगर यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम इसको भी सेकेंड इक्वेशन दे सकते हैं और हम लोग इसको भी सेकेंड इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दो इक्वेशन जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर हमें दो इक्वेशन दिए हैं तो हम ग्राफ कैसे खींचेंगे? अब देखिए, ग्राफ खींचना तो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो हम लोग करने क्या वाले हैं? हम इसका ग्राफ खींचेंगे, मान लो इसका ग्राफ ये आता है, दूसरी लाइन का भी ग्राफ खींचेंगे, दूसरी लाइन का ग्राफ मान लो ये आता है। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही जो है हमारा आंसर है। यानी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट में एक्स क्या है और उस पॉइंट में वाई क्या है, दैट इज ऑल। बस यही करना है। तो प्रोसेस चालू होती है। फर्स्ट इक्वेशन में से वाई निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन। पहले इक्वेशन से y निकालिए, तो y क्या हो जाएगा यहाँ से? 10 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको? बनाना है एक बॉक्स, एक इस तरह का आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। इस बॉक्स में हम लोग x और y की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। हमने जो यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है ना, उसमें आपको x की जगह डालना है कुछ इनपुट्स, x की कुछ वैल्यूज लेनी है और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू को निकालना है। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि वैल्यू कितनी लेनी है, कैसी लेनी है और कौन सी लेनी है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ले लेनी है। तो x इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस। तो y हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 0 यानी कि 10 हो जाएगा। तो जब मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू कितना मिल गया? 10 मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद x की और भी कोई वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। मान लो हम लोग x इज इक्वल टू लेते हैं 7। हम लोग x इज इक्वल टू लेते हैं 7, तो यहाँ पे 7 रख देते हैं। तो y कितना हो जाएगा? हमें यहाँ पे पुट करना है। तो y कितना हो जाएगा? 10 माइनस x की जगह हम लोग 7 रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 7 यानी कि 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका सेकेंड वैल्यू। तो देखिए, खींचने के लिए आपको कोई भी दो वैल्यूज काफी है, ओनली 2 वैल्यूज आर सफिशियंट। अगर आप चाहते हो कि नहीं एक और वैल्यू लेनी चाहिए तो आप ले सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग x की वैल्यू 6 लेते हैं, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, आपको लेना तो लो नहीं तो मत लो। तो अगर हम x की वैल्यू 6 यहाँ पे रख देते हैं तो y कितना मिल जाए? 10। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो 6 पे आपको मिल गया 4, ठीक। ऐसा ही दूसरे में तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ऐसा ही आप सेकेंड में करोगे। सेकेंड में y की वैल्यू निकालना है, तो देखिए y के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 को भेज देते हैं उधर।
ये हो जाएगा x माइनस फोर, तो y इक्वल टू x माइनस फोर आपको मिल रहा है। इसके लिए भी टेबल बनाएंगे सेकंड ग्राफ के लिए, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू इनपुट में लेंगे और y की वैल्यू आउटपुट में मिल जाएगी हमें। ठीक, हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप लोग क्या करना, x की वैल्यू जीरो रख लेना। तो मान लो मैं x की वैल्यू जीरो रख देती हूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी जीरो माइनस फोर, यानी कि माइनस फोर, यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा। अब हम लोग x की वैल्यू लेते हैं सेवन इसमें, तो लेट x इज इक्वल टू सेवन रखेंगे यहाँ पे, y हो जाएगा सेवन माइनस फोर यानी कि थ्री। ठीक है, फिर x की वैल्यू आप लोग ले लोगे सिक्स, जो अपन लोग वैल्यू वहाँ लिए थे वही वैल्यू हम लोग ट्राई करेंगे। तो जब हमने x इज इक्वल टू सिक्स ले लिया, लेट x इज इक्वल टू सिक्स यहाँ पे रखेंगे, तो y मिल जाएगा आपको माइनस फोर यानी कि टू। ठीक, अब आप देखो कि क्या दोनों बॉक्स में कोई वैल्यू सेम है। ये देखिए सेवन थ्री इसमें भी है और सेवन थ्री इसमें भी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी दोनों लाइन्स हैं वो सेवन कॉमा थ्री पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ना वो एक्स इक्वल टू सेवन और वाई इक्वल टू थ्री ही होगा। लेकिन अब हमें ग्राफ बनाना है। अब हम लोग लेते हैं ग्राफ पेपर, मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ पेपर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ग्राफ पेपर आपको एकदम ब्लैंक मिलता है और एक वर्टिकल लाइन होती है इसमें जिसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे कहते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। दोनों एक्सेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। जब हम ओरिजिन के राइट साइड मूव करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि कहाँ एक्स वन होगा, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स एंड प्लस सेवन। चूंकि हमने एक्स की वैल्यू मैक्सिमम सेवन लिया है इसलिए हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब आप देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू माइनस में कुछ नहीं है तो हम लोग माइनस में इधर लिखने की जरूरत नहीं है। वाई की वैल्यू टेन तक गई है हमारी, तो ऊपर 10 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। याद रहे आपको सब कुछ जो बनाना है वो किससे बनाना है, आपके पेंसिल से, है ना। y के साथ ले वैल्यू माइनस फोर है दूसरे वाले ग्राफ में, तो आप चाहो तो माइनस फोर यहाँ पे माइनस में लिख सकते हो, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन। अच्छा, अब हम लोग ग्राफ खींचना चालू करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट ग्राफ खींचेंगे, तो फर्स्ट आप यहाँ पे छोटी छोटी सी कुछ बातें याद रखिए कि जब हम लोग एक्स एक्सिस में होते हैं तो क्या होता है, वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है। अच्छा, अभी देखिए एक्स जीरो है, जब एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू टेन है, तो जीरो मतलब कि हमें वाई एक्सिस में रहना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे y 10 है और जब हम y एक्सिस में रहते हैं तो x 0 होता है, यानी कि y एक्सिस में ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 10, यानी कि इस पॉइंट पे x 0 होगा। ओके, अभी दूसरा पॉइंट है 7 3, x 7 है और y 3 है, तो x 7 यहाँ है, x 7 यहाँ है और y 3 चाहिए, तो y 3 कहाँ है, 1 2 3, तो इस 3 को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाएंगे जब तक कि इसमें 7 ना आ जाए। तो देखिए ये इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट में x 7 है और y 3 है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 7, 3, क्योंकि x 7 है और y 3 है। तो देखिए 1 और 2, 2 पॉइंट से समझ में आ रहा है कि हमारी लाइन कहाँ से जाएगी। अब और पॉइंट की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन हमने एक और लिया था तो हम लोग इसको भी खींच लेते हैं। x = 6, तो x = 6 और y = 4, y 4 चाहिए, x 6 चाहिए, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 and y = 4। अब बस कुछ नहीं करना है, स्केल लेना है और ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, हमें पेंसिल से बनाना है लेकिन हम आपके सही तरीके से दिखाई दे, इसलिए हम पेन का यूज कर रहे हैं। अब हम बस इन्हें ज्वाइन कर देंगे जितना बड़ा आप खींच सकते हो। तो ये आपका पहली लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब जैसा हमने इस पहली फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करने में किया है वैसा ही हम लोग सेकेंड लाइन के साथ करेंगे। सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो कि आपका x 0 है और y माइनस फोर है, तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस में होता है। तो इस पॉइंट की अगर बात की जाए, इस पॉइंट की अगर बात की जाए यहाँ पे, चूंकि ये y एक्सिस में है तो x तो इसका 0 होगा और चूंकि इसमें y माइनस फोर है तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 यहाँ है और उस टाइम पे y 3 है, तो 7 और 3 तो आप पहले भी ले चुके हो, ये यानी कि जो दूसरा ग्राफ है वो भी इसी पॉइंट से जा रहा है, तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा 6 2 है,
एक्स सिक्स है और वाई टू है, एक्स सिक्स और वाई टू यहाँ पे है, तो अभी आपको 6.2 यहाँ लिख लेना है। और ये आप देख सकते हो 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट से होके जाती है हमारी सेकेंड लाइन। तो हमारी जो सेकेंड लाइन है उसे आप बना लेना है 1, 2, 3 तीनों पॉइंट को स्केल देके ज्वाइन कर देना है। ये देखो तो आप देख सकते हो बच्चों कितने आसानी से हमने ये ग्राफ बना लिया है। आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने ग्राफ पेपर पे ही बनाया है। अब बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड में बताऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन का ग्राफ हमने बना लिया है। अच्छा अब भाई ग्राफ तो बन गया, अभी इसका सोल्यूशन कैसे पता चलेगा? बहुत ध्यान से देखिए कि हमारी लाइन 7.3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 7.3 हैज द सोल्यूशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 7.3 यानी कि सीधे सीधे x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 है एंड नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 3 है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है तो बच्चों ग्राफिकल मेथड पे हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है, यानी पहले इक्वेशन बनाना होगा। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन इज अबाउट पेन एंड पेंसिल। लेट द कॉस्ट ऑफ मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई। मान लिया कि एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है और एक पेन की कॉस्ट वाई है। ठीक है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब 5 पेंसिल खरीदी जाती है, 5 पेंसिल तो एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x और 7 पेन खरीदे जाते हैं तो एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 की हो जाएगी 7y। देन इट कॉस्ट ₹50, ये पहला इक्वेशन है। और जब 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे जाते हैं तो ₹46 का आता है। तो 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 46। तो कुल मिला के हमारे इस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बन गया है। ठीक है तो अब हमें इक्वेशन दिया हुआ है, अब ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली से सॉल्व करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन को पे फोकस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि y निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन लेना और उसमें से y निकाल लेना तो क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। तो यहाँ पे आपका y आ जाएगा 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। ठीक है जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप लोग ना x की वैल्यू 0 ले लेना, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0 तो y हो जाएगा आपका 50 माइनस 0 बाई 7 यानी कि 7 7 जब 49 होता है ना लगभग 7.1 आता है अप्रॉक्सीमेटली। अब एक डाउट आता है कि यार 7 तो हम लोकेट कर सकते हैं, अब 7.1 क्या करेंगे? तो 7.17 से थोड़ा सा आगे जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं लेते हैं लेट्स टेक x इज इक्वल टू 3। हमें बच्चों करना क्या है, इस जगह पे ये जो ये है ना इस जगह पे आपको x की वैल्यू एज इनपुट लेना है और y की वैल्यू निकालते जाना है। ठीक है दो भी वैल्यू किसी ने ले ली तो काफ़ी वो ग्राफ बना पाएगा, लेकिन हम लोग 3 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं तो y कितना मिल जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 एक्स की जगह 3 रख रहे हो तुम अपॉन 7 वाई इक्वल टू 50 माइनस 15 अपॉन 7 यानी कि 35 अपॉन 7 यानी कि 5। तो जब अपन लोग 3 लिए तो 5 मिल गया, 3 पे 5 मिल रहा है। ठीक है अब बाकी सब में ना कुछ और लोगे तो डेसिमल ही आएगा, इसलिए अपन लोग 2 ही वैल्यू से कम चलाते हैं। यहाँ पे ग्राफ पेपर लेंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स में हमने 3 तक लिया है तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, ये 3 तक हो गया। ठीक है 1, 2, 3 वाई कहाँ तक गए हम लोग 7 तक गए तो y में भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसे थोड़ा सा आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सही है। ओके x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू 7.1 मिली। x 0 कहाँ होता है y एक्सेस में होता है तो जब x 0 ले लिखा हो तो समझ जाना कि ये पॉइंट हमें y एक्सेस में मिलने वाला है तो y एक्सेस में 7.1 पे लिखो तो 7 ये थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा ले लिए तो ये देखिए यहाँ से आपका लाइन जो है इस पॉइंट से जा रही है। दूसरा क्या है x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3 कहाँ है आपका ये है
और उस टाइम पे y कितना होना चाहिए, 5। तो 3 लिए लेकिन y को 5 है, तो ये 5 तक लेके गए, ये तो ये हो गया आपका एक पॉइंट और ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, टेक स्केल, स्केल लीजिए और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये इस तरह से। इस लाइन स्ट्रेट लाइन के बगल में इक्वेशन लिख दीजिए, भाई किसकी लाइन है ये, किसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये, 5x + 7y = 50। तो ये हमारा ग्राफ मिल गया है। तो हमने जो फर्स्ट ग्राफ खींचा है बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। अब सेकंड इक्वेशन में से हम लोग वाई निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5y = हो जाएगा ये 46 - 7x, ठीक है। तो आपका वाई हो जाएगा 46 - 7x / 5। तो आपका y मिल गया है। अब x इसी में रखते जाना है, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। तो सबसे पहले आप लोग क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। तो y कितना हो जाएगा, अब तुम्हारा x 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46/5, 46/5, 9, 5 = 45, तो 9.2। तो यानी कि जब मैंने 0 लिया तो यहाँ पे मिल गया 9.2, यानी कि 9 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब आप क्या करो, यहाँ पे x इक्वल टू 3 ले लो, लेट x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रखना है। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 46 - 7 × 3/5, यानी y हो जाएगा 46 - 21/5, यानी कि ये आ जाएगा 25/5, यानी कि 5। तो जब मैंने 3 लिया तो मुझे 5 मिला। अब दो पॉइंट्स काफ़ी हैं, हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, क्योंकि अब और कुछ भी लेंगे तो डेसिमल में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसलिए हम लोग दो ही पॉइंट से ग्राफ खींचेंगे। अब पहले हमें ये दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे, उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना लेना है, एक्सिस में बना लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए 0 पे 9.2 पे, तो एक्स 0 है तो वाई 9.2, यानी कहीं वहाँ पर आगे मिलेगा, 9.2 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ ही 9.2 है, तो एक पॉइंट मुझे ये मिला और एक पॉइंट ये है। अब दोनों को आपको स्केल लेना है और दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। इसके देखिए स्केल लेके ये हमने ज्वाइन कर लिया है, तो आप देख सकते हो कि दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट में क्या कॉमन था, 3.5, तो बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 3.5। अब बस हमें लिख देना है, As lines are intersecting, lines are intersecting at किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3.5। तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 5 होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5। तो ऐसे ग्राफिकल मेथड से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए पहले तो हमें ये दो इक्वेशंस दिए हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो पहले बच्चों आप लोग A1 बताएंगे, x का मल्टीपल कौन है 1, B1 y का मल्टीपल -1 और C1 अगर राइट हैंड साइड के उधर है तो माइनस करके लेना है, A2 3, B2 -3 एंड C2 -16, ठीक है। अगर आपको कंडीशन भूल गई हो तो मैं आपको बता दूं कि सोल्यूशन कैसा है, इसके लिए हमें A1/A2 चेक करना होता है, फिर B1/B2 चेक करना होता है। तो A1/A2 आ रहा है 1/3 यानी 1/3, B1/B2 आ रहा है -1/-3 यानी कि 1/3, दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम आए तो C भी चेक करते हैं, तो C1/C2 भी चेक किया अपन ने, तो -8/-16, लेकिन ये तो 1/2 आ रहा है। मीन्स A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। एंड बच्चों ये किसकी कंडीशन है, ये तब होता है जो लाइन होती है जब दोनों ग्राफ की वो आपस में पैरेलल हो, यानी कभी ना मिले, और जब नहीं मिलेंगी तो वो इनकंसिस्टेंट होता है एंड देर इज नो सोल्यूशन। तो ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन निकालना ही नहीं है, है ना, क्योंकि कह रहा है ना कि इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व ग्राफिकली, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं तो हम क्या आंसर कहाँ निकाल सकते हैं। तो ये फोर्थ का सेकेंड पार्ट में आपको बस इतना लिखना है, इनकंसिस्टेंट, सो देर इज नो सोल्यूशन, देर इज नो सोल्यूशन।
इतना नहीं है इसमें। पे लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, 2x plus y minus 6 equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 है, तो ग्राफिकली सॉल्व करो। यहाँ भी बच्चों वही करते हैं, a1 2 b1 1 c1 minus 6 a2 4 b2 minus 2 and c2 minus 4, ठीक है। तो अब हम लोग कंडीशन जो होती है a1 upon a2 देख लेते हैं, 2 by 4 यानी कि 1 by 2, फिर b1 by b2 तो ये आ जाएगा 1 by minus 2 यानी minus 1 by 2 आ रहा है। ये तो देख सकते हैं कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो देर इज़ यूनिक सोल्यूशन। c को नहीं चेक करना है अब, यूनिक सोल्यूशन लाइंस जो मिलेंगी दोनों ग्राफ की वो इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट, और जब कंसिस्टेंट हो तो कह रहा है कि भाई सोल्यूशन ग्राफिकली निकालिए, यानी हमें अब इन दोनों का ग्राफ खींचना है फ्रॉम इक्वेशन वन। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन वन वाई की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से ना y निकाला, y यहाँ रखते हैं और 2x उधर भेजेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6। अब हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, x की वैल्यू पहले तो 0 मैंने बताया था रख लेंगे, तो लेट्स मेक द टेबल, ऐसा टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले 0 रख लेते हैं, तो वेन x इक्वल टू 0 तो y कितना होगा बच्चों, 6 माइनस 0 यानी कि 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, 2 ले लो, उसके बाद क्या करो, लेट x इज इक्वल टू 2 यहाँ रखो, तो y हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू भी हमें 2 मिल रहा है। आप चाहो तो एक आध वैल्यू और ले सकते हो, लेकिन 2 से भी हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, तो 2 ही रखते हैं। हमने पॉइंट्स जो भी लिया है बच्चों यहाँ पे लोकेट करना, ध्यान से देख लीजिए, x इक्वल टू 0, x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस में, और उस टाइम पे y 6 है, तो 0 लेना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अपन का 6 आ रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था स्केल लिखना है, स्केल 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट ले लेते क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा है नहीं, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये ऐसा लिखना पड़ता है ग्राफ में। तो हमने बना लिया x हमारा 2 तक ही गया है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो जब 0 था तो 6, यानी कि यहाँ पे, यानी कि लेकिन यहाँ पे हमारा ये पहला पॉइंट है, क्योंकि x 0 है तो y एक्सिस में मिलेगा, तो हमारा पहला पॉइंट 0 6 ये मिल रहा है, x 0 और y 6। इस पॉइंट के टाइम पे x 0 है एंड y 6 है, तो इसके कोऑर्डिनेट है 0, 6। फिर दूसरा 2 2, x भी 2 और y भी 2 यहाँ पे है, ये यहाँ पे x भी 2 है और y भी 2 है। बस स्केल लो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अगर तुम ज़्यादा भी पॉइंट लिए होते तो एक 8 हो ये ऐसा ऐसा पॉइंट और मिल जाता, लेकिन लाइन तो पहले से वैसे भी खिंच जाएगी, तो बस आप स्केल लीजिए और इनको ज्वाइन कर दीजिए। चलिए तो आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं इनको, ये देख सकते हैं लाइन खिंच चुकी है, लाइन के बगल में उसका इक्वेशन लिख देंगे, क्या नाम है इस लाइन का, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहला ग्राफ बच्चों हमारा आ गया है, आप सबको समझ आ गया, फर्स्ट ग्राफ इज डन। इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि सब में कुछ ना कुछ मल्टीपल है ना, तो अपन ही निकालना है, तो y को ही उधर भेज देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा और 4 आएगा इधर, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब ये 2 कट सकता है, अगर हम 2 कॉमन ले लें ऊपर से तो ये 4x 2x हो जाएगा और ये 4 भी 2 हो जाएगा, और अब इस 2 से कैंसिल कर दें तो कुल मिला के वाई की वैल्यू बच्चों मिलती है आपको 2x माइनस 2, ये आपको y की वैल्यू मिली है जिसमें हमें x इनपुट के तौर पे रखना है और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक। हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये y आ गया है, फर्स्ट स्टेप तो यही था ना कि y निकालो, तो निकल गया है, भले थोड़ा टाइम लग गया। x एंड y, मैंने कहा पहले x की जगह 0 ले लेना, तो चलिए हम लोग x की जगह 0 रखते हैं इसमें, तो y होएगा 2 इंटू 0 माइनस 2,
ठीक है, यानी y की वैल्यू माइनस टू आ रही है, y की वैल्यू माइनस टू आती है जब हम x जीरो लेते हैं, तो यहाँ ले सकते हैं क्योंकि एज वेज तो है नहीं किसी की, है ना, यहाँ पे हम लोग x की जगह जीरो ले सकते हैं तो y की वैल्यू माइनस टू मिलती है। अब x की जगह टू ही ले लो जैसे पिछले में लिए थे, तो वेन वी पुट x इज इक्वल टू टू यहाँ रखेंगे तो y आ जाएगा टू, एंड x की जगह टू रखना है माइनस टू, फोर माइनस टू यानी कि टू, टू पे टू, देख सकते हैं कि टू टू वहाँ भी कॉमन था और इसमें भी कॉमन है, यानी टू टू पे ही लोग इंटरसेक्ट करेंगे, टू टू कॉमन है दोनों लाइन में, यही सोल्यूशन होगा। ये जो पॉइंट्स मिले हैं इसे लोकेट करना है ग्राफ पे, सेम ग्राफ पेपर में, एक्स जीरो तो वाई माइनस टू, यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट होगा एक्स जीरो है और वाई माइनस टू है, ऐसा वाई एक्सिस में ही हो सकता है, ठीक। फिर दूसरा टू टू है, एक्स भी टू और वाई भी टू, यानी कि यहाँ से जहाँ से पहला वाला ग्राफ गया था वहाँ से हमारा दूसरा ग्राफ भी जाएगा, यानी कि वन और टू ये दो पॉइंट्स हैं जिससे हमारा दूसरा वाला ग्राफ की लाइन जा रही है, वन टू बस। अब स्केल लीजिए, लेके दोनों को ज्वाइन कर देना है, ये इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम लोग लिखेंगे एस, हम लोग लिखेंगे एस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कर रही हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसी पर टू कॉमा टू, तो इंटरसेक्टिंग एट टू कॉमा टू, हेंस या देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है इसका, एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू टू इज द यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन है x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू टू, तो ये आपका ग्राफ है एंड ये आपका सोल्यूशन। तो अभी जो सेवंथ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। पहले तो इसने कहा है कि इनको ग्राफ खींचिए, जब ग्राफ खींच लेंगे तो क्या होता है कई बार लाइन्स अगर इस टाइप की हुई ऐसा, ठीक, तो अगर हम ध्यान दें तो x एक्सिस पहली लाइन और दूसरी लाइन तीनों मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आपको ऐसे ही ट्राइंगल ही मिलेगा यहाँ पे। तो ट्राइंगल कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्राइंगल का एरिया निकालिए, लेकिन यहाँ पे एरिया नहीं निकालना है, और एरिया निकालना है मेरे से कुछ मुश्किल भी नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट करना है, ये बेस हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाइट हो जाएगी, मतलब निकालना भी होता है तो निकाल लेते, लेकिन यहाँ निकालना नहीं है। तो मैं करना क्या है कि जहाँ मिल रहे हैं ना दोनों उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसमें एक्स और वाई किया है, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ कि ट्राइंगल बनने के बाद उसको ऐसे शेड कर देना, ठीक, तो ये काम करना है, यानी कि पूरा ग्राफ खींचना है, ट्राइंगल मिल जाए तो उसको शेड कर देना है, दैट्स ऑल। फिर यहाँ पे भी एक एक करके दोनों का ग्राफ खींचेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो चलिए बच्चों, पहला वाला इक्वेशन ये है, इससे तुम वाई निकालना, तो माइनस वाई को उधर भेज देते हैं तो प्लस वाई, एक्स प्लस वन, यानी कि वाई की वैल्यू मिल रही है एक्स प्लस वन। अब यहाँ पुट करते जाओ x की वैल्यू और y निकालते जाओ, इसका भी हम लोग टेबल बना लेते हैं फर्स्ट वाले का, यहाँ x यहाँ y, सबसे पहले हम लोग जीरो लेंगे, तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं x जीरो है, तो जब तुम यहाँ पे x जीरो रखोगे तो y मिल जाएगा जीरो प्लस वन, यानी कि वन, y वन मिल जाएगा जीरो। चलिए अभी हम लोग x इक्वल टू टू रखते हैं, लेट्स पुट x इज इक्वल टू टू, जब हम लोग x इक्वल टू टू रख देंगे यहाँ पे तो y हो जाएगा टू प्लस वन यानी कि थ्री। दो वैल्यूज़ काफ़ी है ग्राफ खींचने के लिए, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक। ऐसा करते हैं अभी दूसरे वाले का भी इकट्ठा सॉल्व करते हैं, फिर इकट्ठा ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए अभी दूसरा भी करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, यहाँ से बच्चों वाई निकालिएगा, टू वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व उधर जाएगा तो प्लस ट्वेल्व, ये देखिए, सो वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे इसका बॉक्स बनाते हैं दूसरे वाली लाइन का, एक्स वाई। अब सबसे पहले तो हमें पता है क्या रखना है, एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या रखेंगे, जीरो, जीरो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ट्वेल्व माइनस जीरो बाई टू यानी कि ट्वेल्व बाई टू यानी कि सिक्स। फिर तो दूसरा
वही रखेंगे जो पिछले में रखे थे, 2 रखते हैं। सेकेंडली लेट्स पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 बाई 2 यानी कि 3 आ रहा है। तो दोनों ग्राफ का बॉक्स हमने बना लिया है, अब दोनों ग्राफ इकट्ठा हम यहाँ पे खींचेंगे। x कोस टू 0 यानी y एक्सेस में और y 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ग्राफ खींचना चालू करते हैं। 0 1 0 1 यानी कि कहाँ पे x 0 कहाँ होता है y एक्सेस में, तो ये पहला पॉइंट ये है जिसे कोऑर्डिनेट है 0, 1। तो x 2 चाहिए और y 3 चाहिए, तो x 1 2 x 2 यहाँ है और उस टाइम पे y 3 यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे x 2 है और y 3 है। तो अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं x 2 है और y 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 एंड 1 है। अब स्केल लेना है और दोनों ग्राफ दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। ये आपका पहला ग्राफ बन चुका है। इसके बगल में लिख लेंगे कि किसका इक्वेशन है, ये किसका है, पहले वाले का है, x माइनस वाई प्लस 1 = 0 का ग्राफ है ये। ओके, अब हम लोग दूसरा ग्राफ बनाते हैं। दूसरे ग्राफ में x 0 y 6, x 0 मतलब y एक्सेस में और y एक्सेस में कहाँ पे, 6 पे। दूसरा पॉइंट है 2 3, वही जो पिछली बार मिला था 2 3, ये तो एक ये और दूसरा ये, दोनों से हमारी लाइन जा रही है। तो जस्ट आप इन लो और इन दोनों को ज्वाइन कर लो, तो बस ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है ये। तो देख सकते हैं कि दोनों लाइन जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसे कोऑर्डिनेट है 2, 3। एज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 2, 3, सो एक्स इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन एंड वाई इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक ट्राइंगल बन रहा है, तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो यह से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल एक फॉर्म हो रहा है, किससे किसके बीच, पहली लाइन दूसरी लाइन, अच्छा दूसरी लाइन का इक्वेशन नहीं लिखे थे, दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। दोनों लाइन और अब ये दोनों लाइन और x एक्सेस, ये x एक्सेस है, इसके बीच एक ट्राइंगल बन रहा है, ये छोटा सा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को शेड करना है, तो हमने शेड कर लिया है। इसने बोला है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताइए, तो बताइए बच्चों ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 होते हैं, तो तीनों के इसके भी 3 हैं, नाम दे देते हैं, नाम दे दें अगर हम ए बी और सी, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट का मतलब उस पॉइंट पे x क्या है और उस पॉइंट पे y क्या है, तो a पे तो 2 3 था ना, x 2 था और y 3 था। b के बताइए, तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b के टाइम पे देखिए बच्चों x जो है x एक्सिस -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब b है वहाँ पे -1 है x। अब हमें b पॉइंट जो है x एक्सिस में है, x एक्सिस में तो y 0 होता है, हाँ बच्चों जब भी हम लोग x एक्सिस में होते हैं तो y 0 होता है, तो बी पॉइंट एक्सेस में तो 0 होगा उसका कोऑर्डिनेट, तो -1, 0। सी का कोऑर्डिनेट और बता दीजिए, सी के टाइम पे सी एक्स 4 है और वाई 0 क्योंकि एक्स एक्सेस में है। तो कुल मिला के जो ट्राइंगल बना है उसे हमने शेड कर लिया है और तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता दिए हैं। आई होप इतना समझ में आ गया है आपको, क्लियर। अच्छा अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड पूछने की कोशिश करेगा ऐसे कॉन्सेप्ट पे, तो ये भी कह सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मान लो बच्चों इसी ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाता, 1/2 × बेस × हाइट। सबको पता है ये फॉर्मूला होता है, बेस मतलब कि ये बीसी, तो बीसी की लेंथ कितनी है काउंट कर लो, 4 यहाँ और ये 5 इंटू हाइट, हाइट मतलब ये वर्टिकल, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसमें वाई कितना है, 3 है,
ए में तो हाइट मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स अगर एरिया निकालना होता तो। ठीक, इस क्वेश्चन में तो बस शेड करना था, लेकिन बहुत होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एरिया निकालना, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। क्लियर है?